हमारे महाराज जी बताते थे, वृंदावन की घटना है। लोग कहते ना भगवान क्या वास्तव में आते हैं, 80-85 वर्ष पूर्व वृंदावन में वास्तव में ठाकुर जी आए। कैसे आए? एक महात्मा जी घूमते थे ब्रिज में, जिन्हें देख करके सब लोग बोलते थे जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। प्राय मैं सब कथाओं में कहता हूं ये, जज साहब आ रहे हैं। तो लोगों ने पूछा कि ये है तो महात्मा पर जज क्यों बोलते हैं, दिख तो महात्मा रहे हैं पर इनको जज क्यों बोलते हैं। तो उनके विषय में जो निकल कर बात सामने आई वही मैं आपको सुना रहा। बोले ये अब तो महात्मा है पर पहले जज थे, तो फिर महात्मा क्यों बने? बोले दक्षिण भारत में किसी गांव में कोई छोटा सा कोई लोक अदालत न्यायालय था, उसी में ये जज थे। अब वहां ये अपनी नौकरी करते और उसी गांव में एक सीधा साधा सरल भोला आदमी रहता, केवट जाति का। अब नाम तो भगवान जाने जो भी हो, और उसको सब लोग भोला ही बोलते थे। भोला क्यों बोलते? क्योंकि वो रघुनाथ जी के अलावा किसी को नहीं जानता था। कोई आदमी बात पूछे कि अरे भोला वो कैसे हुआ, वो रघुनाथ जी जाने जाते। अरे भोला वो बात कैसे हुई, वो रघुनाथ जी जाने जाते। नान्यम जाने नहीं वे जाने न जाने, वो अन्य किसी को जानता ही नहीं था। बिटिया विवाह के योग्य हुई तो भोला को बेटी का विवाह करना था। पुत्रों से कहा कि बेटा इतनी व्यवस्था तो घर में है नहीं, और तुम्हारी बहन का विवाह करना है। बोले पिताजी एक काम करो, हमारे गांव में वो सेठ जी है ना, वो कर्ज देते हैं, तो उनसे उधार ले लो, हम भाई कमाएंगे आपको देंगे, और आप वो कर्ज सेठ जी का दे देना। तो वो भोला चला गया गाँव में सेठ जी के पास, तो सेठ जी ने उसे कर्ज दिया, ब्याज की दर जो वो लेते थे तय करी, हस्ताक्षर हुआ, पैसा दे दिया। लेकर के आया, बिटिया का विवाह धूमधाम से किया, बेटी ससुराल चली गई। अब सोचने लगा कि सबका विवाह हो गया, बेटी भी अपने घर चली गई, अब भगवान के ही पास रहता, ज्यादातर मंदिर में कीर्तन करता। बोले प्रभु अब सब जो फर्ज है उनसे मुक्ति मिल गई। बेटों ने खूब कमाई करी, लो पिताजी ये कर्ज चुकता करके आओ। सेठ जी के पास गए, ब्याज से जो भी उनका बनता था संपूर्ण पाई पाई से हिसाब हुआ। एक रसीद जमा की, बोले ये लो। अब उसने ली हाथ में, तब तक सेठ जी ने पूछा कि भोला बताओ इसमें क्या लिखा है, पढ़ो। बोले रघुनाथ जी जाने। सेठ जी के मन में पाप आया, बोले हो न हो इस आदमी से पैसा दोबारा भी लिया जा सकता है। एक काम करना भोला, एक गिलास पानी लाना। तो उठ करके पानी लाने को गया, पीछे से वो रसीद छुपा दी और झूठी कोई कागज में ऐसे ऐसे लिख करके वो दे दिया। बोले ये लो। अब वो बेचारा तो उसी को रसीद समझे था, जेब में रखी घर आ गया। भगवान के सामने आकर के रसीद रख करके बोला हे प्रभु आज मैं कर्ज मुक्त हो गया, रख दिया। भगवान के मंदिर में सत्संग कीर्तन करता। इधर सेठ जी ने मुकदमा करवा दिया कि हमने पैसा दिया था, बाकायदा लेन देन हुआ है, ब्याज की दर तय हुई है, अब हम मांग रहे हैं तो मना कर रहा है। तो कोर्ट से नोटिस पहुंचा, सूचना मिली, बोले भाई सेठ जी से पैसा लिया था अब वापिस करो। तारीख लिखी थी, कोर्ट जाना पड़ा। वहां जाकर के उसने कहा कि साहब हमने तो दे दिया। सेठ जी भी खड़े हैं और वो भोला भी। अच्छा क्या प्रमाण है? तो जो रसीद थी वो दी, जज साहब ने देखा, अब उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं था, वो झूठी थी। जज साहब ने कहा ये तो कोई ठोस सबूत नहीं है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं। अब वो भोला आदमी बेचारा सरल रोने लगा कोर्ट में ही। बोले साहब मैं तो इसी को रसीद समझे था, पैसा तो मैंने पाई पाई से दे दिया। जज साहब ने कहा रो मत,
सेठ जी का और तुम्हारा जब लेन देन हुआ तो कोई तीसरा गवाह भी था? उसकी तो आदत थी, अपनी आदत के मुताबिक बोला, सत्य कहता हूं दत्त साहब, मेरे और सेठ जी के लेन देन में गवाह सिवाय रघुनाथ जी के कोई नहीं था, सिवाय रघुनाथ जी के कोई गवाह नहीं था। अब दत्त साहब ने सोचा कि शायद रघुनाथ जी इनके गांव के कोई आदमी है और वो गवाह रहे होंगे। बड़े भावुक आदमी दत्त साहब, बोले बस रो मत जाओ, अब जो तारीख हम दे रहे हैं उसको गवाह लेकर के हाजिर हो जाना, हम अपने आप सब बुला लेंगे। वो तो चला गया और जज साहब ने सम्मन जारी कर दिया, तारीख लिखी थी रघुनाथ के नाम से। चपरासी गांव में पहुंचा और सब जगह पूछता फिरे घूमता, बोले यहाँ कोई रघुनाथ जी का मकान बताओ, रघुनाथ जी का मकान बताओ। संजोग ऐसा कि उस गांव में कोई रघुनाथ नाम का आदमी नहीं। तो घूमते घूमते शाम का समय हुआ, सूर्यास्त होने लगा। एक आदमी ने कहा, यहाँ रघुनाथ जी का मकान तो नहीं है पर रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। बोले वही बताओ। परेशान हो गया, मंदिर में पहुंचा, पुजारी जी को देखा और वो सम्मन आगे कर दिया। पुजारी जी ने देखा तो उसमें तो अदालत में उपस्थित होने की तारीख लिखी थी। पुजारी जी भगवान के सामने गए, मन ही मन कहने लगे, प्रभु आपको 56 प्रकार के भोग भक्तों ने बहुत बार लगाए हैं, आपको नाना प्रकार के रंग बिरंगी पोशाकें भक्तों ने कई बार भेंट करी है, पर कोर्ट नोटिस थाने पहली बार आई है। अब भक्त जो न करे सो थोड़ा है, भाव की बात है। पुजारी जी ने सोचा कि ठाकुर जी ने जब यहाँ तक मंगवा लिया, इसका मतलब हो न हो जरूर इनकी कोई सहमति है, शायद प्रभु की इच्छा है। तो बोलो ने अपना हस्ताक्षर किया, बोले जाओ हाजिर हो जाएंगे। अब वो चला गया। इधर शाम को भोला जब मंदिर आया तो पुजारी जी ने पूछा, भाई तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखवा दिया? बोले हमने कोई झूठा लिखवा दिया? हमारे रघुनाथ जी हमारे साथ है। अरे वो बात ठीक है पर अब वहां कौन गवाही देगा? बोले चिंता न करो, जिसने देखा वो गवाही भी देगा। हमारे रघुनाथ जी हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे, और गवाही वो ही देगा जिसने देखा है। अरे भाई ये बात तो ठीक है, भगवान साथ है, सबके साथ है, पर वहां तो एकदम कोर्ट में जाकर के कहना पड़ेगा। केवट घर को चला गया। अगले दिन वो तारीख थी जिसको जाना था, तो सुबह वो जब कोर्ट जाने लगा उससे पहले ही भगवान के मंदिर में प्रणाम करने गया। काफी भगवान के मंदिर में प्रणाम किया और कहने लगा, हे प्रभु हरि बिनु संकट को निवारे, हरि बिनु संकट को निवारे, या नाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तिहारे, संकट को निवारे, हरि बिनु संकट को निवारे, दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछुए से बसे हैं, हेरू कहां और जाऊं कहां, अब तेरे ही नाम की भेंट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं प्रभु सो कछु और बस जसे है, ऐ हो मुरारी पुकार कहे, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, संकट को निवारे हरे बिनु संकट को निवारे, दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, हेरू कहां और जाऊं कहां, बस तेरे ही नाम की भेंट कसी है, तेरो यासरो एक मलूक नहीं प्रभु से कछु और बसी है, ए हो मुरार पुकार कहे, अब मेरी हंसी नहीं तेरी, प्रभु अब मेरी हंसी नहीं आपकी हंसी है, मुझे आपका फैसला देखना है। वो तो चला गया। इधर सेठ जी तो आ ही गए थे,
और भोला पहुंचा। जज साहब ने कहा, अच्छा भैया भोला आ गए? बोले हाँ। तो वो तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहाँ हैं? बोले यही कहीं होंगे, वो तो सब जगह रहते हैं। अरे भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, उनको बुलाओ यहाँ। अरे बोले साहब वो तो सब जगह रहते ही है। अब पढ़े लिखों को थोड़ी भक्ति की बात समझाना कठिन कार्य है। अरे सब जगह है, बुलाओ। तो ऐसे वो हाथ में हथौड़ा लेकर के जज साहब ने तीन बार आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ रघुनाथ हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है। ऐसे तीन नारे जो लगाए हैं, चार लटपटी सी वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी शीश बांधे धर धाये है, हाथ माए छड़ी पड़ी तुलसी की है माल, माथे पर रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं, और साहब के सामने चपरासी के साथ विनीत रघुनाथ जी आज गवाह बने आए हैं। भगवान दुपटी फटी शीश पर बांधे, हाथ में छड़ी तुलसी की माला, माथे पर चंदन, और एक वृद्ध का शरीर। हाँ हाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे, ऐसा करते प्रवेश हो गए। जाकर के उस कटघरे में खड़े हो गए। जज साहब ने पूछा कि सेठ जी का और केवट का लेन देन हुआ, आप गवाह थे? हाँ साहब। अच्छा तो क्या प्रमाण है, क्या कैसे लेन देन हुआ? और ये कह रहे दे दिया, सेठ जी कह रहे हमारा दिया नहीं। तो बोले बिल्कुल, इसने हिसाब कर दिया, और सेठ जी ये बेचारा अनपढ़ आदमी है, अशिक्षित आदमी है, इसलिए इनके मन में पाप आ गया। इन्होंने तो जमा करके रसीद भी दे दी थी, लेकिन ये अनपढ़ है इसलिए उनके मन में पाप आया, वो छुपा लिया। आप कहें तो सेठ जी ने जो जमा की रसीद लिखी थी, ये जो बैठते हैं, इनका जो बैठक कक्ष है, कमरा है, उसमें सामने की जो दीवार है उसमें तीन आलमारी है, और तीन आलमारी में जो बीच वाली आलमारी है उसमें एक बही रखी है, और बही के 32 नंबर पेज पर वो रसीद रखी है। अब सर्वांतर्यामी भगवान से कोई क्या छुप सकता है? सिपाही भेजे गए, सेठ जी का कक्ष खोला, सामने की दीवार, तीन आलमारियां, बीच में उस अलमारी को खोला, बही मिली, 32 नंबर पेज पर रसीद ला करके जज साहब को दी। जज साहब ने फैसला सुनाया, सेठ जी को दंडित होना पड़ा और केवट बाइज्जत बरी हुआ। अब फैसला तो हो ही गया था, इसलिए भगवान अंतर्धान हो गए। शाम का समय जज साहब अपनी कोठी पर आए, मन में विचार किया कि फैसला सुनाते सुनाते आज वर्षों बीत गए, पर ऐसा विचित्र गवाह तो नहीं देखा जिसने घर से रसीद मंगवा ली हो, ऐसा तो नहीं देखा। तो उस भोले को बुलाया, भोला जज साहब कहाँ रहे? ये जो आए थे रघुनाथ जी, बोले साहब मंदिर में, मंदिर ऐसा लगता तो नहीं कि कोई पुजारी है? बोले पुजारी नहीं है। तो देखने से इतने संपन्न भी नहीं लग रहे थे कि मंदिर बनाया है। बोले न तो मंदिर बनाने वाले हैं, न मंदिर में पूजा करने वाले हैं, तो फिर ये है कौन? बोले वही है जो मंदिर में खड़े हैं, ये वही है जो मंदिर में। अरे मंदिर में खड़े मतलब? हाँ साहब, ये वही रघुनाथ जी। बाद में पता करवाया तो उस गांव में उस शक्ल सूरत का कोई इंसान ही नहीं था। जज साहब के नेत्र भर आए, रोने लगे, पर बड़ी भाव भरी बात कही। बोले शिव सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहलाते रहे। अरे तो बोले ठीक है, तुम्हें दर्शन हो गया? बोले बात दर्शन की नहीं है, तो चले गए इसलिए रो रहे हो? बोले नहीं नहीं, आए चले गए, आए तो जाना ही था, रोना इस बात का नहीं, तो फिर आप क्यों रो रहे हो? सुख धोखे उदर से दिए को भयो, दुख नाही न जो तज जाते रहे। दुख इस बात का नहीं, वो चले गए तो फिर रो क्यों रहे हो? जज साहब ने बड़ी भाव भरी बात कही। बोले कुर्सी पे बना जज बैठा रहा,
वो जगदीश खड़े समझाते रहे, मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। जगदीश खड़े समझाते, शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहलाते रहे। और सुख धोके दर्श दिए को भयो, और दुख ना ही न जो तज जाते रहे। तो रोना तो इस बात का है कि मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, भगवान सामने खड़े समझाते रहे। अरे जिसकी अदालत में पूरी दुनिया को जाना पड़ता है, सब जीवों को उसकी अदालत में जाकर के अपने गुनाह कबूल करने पड़ते हैं, आज वही परमात्मा मेरी अदालत में आ गया। और तो और मैं जज बन करके बैठा रहा और उसको कटघरे में खड़ा कर दिया। इतना मन में वैराग्य आया, उसी दिन पद से इस्तीफा दे दिया और वो पद छोड़कर सीधे वृंदावन आ गया। शेष जीवन साधु का बिताया है, संत बनकर के रहे हैं, पर मंदिर कभी नहीं गए। मंदिर के सामने जाते और माथे पर मंदिर के सीढ़ियों की धूल ऐसे रखते और आगे चले। लोग बोलते कैसे महात्मा वो मंदिर नहीं जाते, चलो भगवान के दर्शन करो मंदिर में। वो बोले नहीं मैं मंदिर नहीं, क्यों नहीं जाऊं? बोले मैं मंदिर में जाने के योग्य नहीं। हुआ क्या? तो जज साहब ने कहा कि देखो जिस भगवान को मैंने अदालत के कटघरे में खड़ा कर दिया, उसके सामने क्या मुंह लेकर के जाऊं मैं, उसे मुंह दिखाने के योग्य नहीं हूं। कितनी ग्लानी हुई कि जीवन पर्यंत वृंदावन में साधु बन करके रहे पर मंदिर कभी नहीं, क्या मुंह दिखाऊं जिस भगवान को मैंने अदालत में बुलाया। क्या था ऐसा उस केवट में जिसके लिए भगवान गवाह बने, जिसके लिए ठाकुर जी ने गवाही दी, क्या था ऐसा? बस एक ही बात, मात पिता बंधु सुतदारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। ये नौ जगह की जो ममता है ये उसने ठाकुर जी के चरणों से जोड़ दी, इसलिए भगवान गवाह बन करके आए। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, हम कैसे भरसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, हम कैसे भरसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे।
और एक बात, हम करते जाते गलती पे गलती, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी। हम करते जाते गलती पे गलती, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी। करे लाख कोशिश बदलती नहीं है मैं आदत तुम्हारी, मैं आदत हमारी। करे लाख कोशिश बदलती नहीं है मैं आदत तुम्हारी, मैं आदत हमारी। मुझे महाराज जी की रचना है, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा सारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भवसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भवसे लगेंगे किनारे। बोलो श्री कृष्ण को भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान उस केवट के गवाह बने। भगवान जो भी संबंध हम बनाए उसका निर्वहन करने के लिए आज भी तैयार है। लेकिन अब हम लोग जल्दी जल्दी श्रीमद् भागवत जी की चर्चा करें। क्यों? क्योंकि समय अपनी गति से दौड़ता जा रहा है और कथा तो फिर हरि अनंत, हरि कथा अनंता बहुत है। तो संक्षिप्त में हम लोग दर्शन करते हुए आगे बढ़ें। कुंडिनपुर के अधिपति एक राजा है जिनका नाम है भीष्म, जिनके पांच पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्ममाली, रुक्मकेशी, रुक्मरथ और रुक्मबाहु, और एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मणी। राजा श्री भीष्म को नाम है विदर्भाधिपतिर महानतस्य पंचा भवन पुत्रा कन्याई काचवरानना। एक कन्या है जो सरोवर में मिली थी राजा भीष्म को, पढ़ा लिखा कर बड़ी विदुषी बनाया। अब महाराज का मन है कि गोविंद जो द्वारिकाधीश हैं, मैं उनके साथ मेरी बेटी का विवाह करूं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, घर में पिताजी से ज्यादा बेटे की चलनी शुरू हो जाती है। तो जो बड़ा भाई है रुक्मणी का, जिसका नाम है रुक्मी, उसने पिताजी से कहा चुप रहिए, हम जो करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। अब मां बेटा एक तरफ है और राजा एक तरफ। राजा कहे कि मैं अपनी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ करूंगा, लेकिन रुक्मी कहे कि नहीं नहीं, मैं मेरी बिटिया का विवाह, मेरी बहन का विवाह, आजकल बहुत बड़े सम्राट बने हैं, कौन, दमघोष के बेटा शिशुपाल, दमघोष राजा के बेटा। रुक्मणी जी को रुक्मी ने की पत्नी भोजाई ने कहा कि एक काम करो, तुम मन वचन कर्म से द्वारिकाधीश को चाहती हो, एक पत्र लिख दो। तो रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, बहुत सुंदर पत्र लिखा। पत्र लेकर के पंडित जी पहुंच गए द्वारिका, गोविंद से कहा कि आपका पत्र है। भगवान बोले सुनाओ। बोले महाराज आपका है, आप ही पढ़ो। बोले नहीं, सब पढ़ते हैं, हमारा तुम भी पढ़ो। तो रुक्मणी जी ने जो पत्र लिखा उसमें बहुत सुंदर लिखा है। रुक्मणी माता ने लिखा है, बोली सृष्ट्वा
गुणानुभवन सुंदर सिनवताम ते निरविश्य करण विवरये हर पंगतापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थ लाभम अव्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम मे। रुक्मणी जी कहती है, हे गोविंद, मैंने आपके गुणों को सुना है। विश्व में आपसे सुंदर कोई दूसरा नहीं है। त्रिभुवन में सबसे परम सुंदर आप हैं। और हे गोविंद, नीलमणि के समान परम सुंदर हैं आप। विश्व की कौन ऐसी नारी होगी जो आपको देख करके पति रूप में न पाना चाहती है? इसलिए मैंने मन वचन कर्म से आपका वर्ण कर लिया है। अब मेरा वर्ण आप करके ले जाएं, और यदि मेरे साथ शिशुपाल विवाह करके ले गया, शिशुपाल यदि ले जाएगा तो ऐसे समझो सिंह को मिलने वाला भाग सियार ले जाएगा, क्योंकि मैं मन वचन कर्म से आपको पति मान चुकी हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे मिलूंगी, राजकुमारी हूं, अंतःपुर में रहती हूं, मेरी बड़ी व्यवस्था है, कितने पहरेदार खड़े हैं। तो गोविंद, अंतःपुरांतर चरिम अनिहत्य बंधु वामुदवहे कथमिति प्रवदात्युपायम्। हमारे यहाँ नियम है कि बेटी विवाह से पहले गौरी पूजन करने जाती है, गिरिजा पूजन करने जाती है। मैं भी गौरी पूजन करने जाऊंगी, आपके और मेरे विवाह की साक्षी माँ कात्यायनी ही होगी। ऐसा विचार करके रुक्मिणी जी ने वो पत्र लिखा, पंडित जी ने दिया, गोविंद ने पढ़ा। पंडित जी बोले, हम चले? कन्हैया बोले, चले नहीं, चलते हैं। अब साथ में ही द्वार पर आए तो बलराम जी मिल गए। कन्हैया कहाँ जा रहा है? अब बड़े भाई है तो ये कैसे कह दे कि विवाह करने जा रहे हैं? कलयुग थोड़ी ही संकोच में। रामायण में आपने प्रसंग देखा है, भगवान जब झुक नहीं रहे थे तो सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा था कि आप कह दो कि भगवान थोड़ा झुक जाएं। लेकिन रामचरितमानस में सब त्याग के शिखर पर बैठा है। छोटा भाई ऐसे कैसे कह दे बड़े भाई को कि आप झुक जाओ? छोटा तो छोटा होता है, चाहे एक घंटा ही क्यों ना हो। और बड़ा भाई आदर कैसा हो? बोले, पिता के समान बड़े भाई का आदर। तो कैसे कह दे कि झुक जाओ? कलयुग थोड़ी हो, आजकल छोटियों पटोड़े भाई ने कहीं कहे बोले, देखे कि उधर जोधपुर का चक्कर कटवा दियो, 10 साल मुकदमो लड़े, कोई पूछे कि बात कहीं हुई, बोले 10 इंची जमीन ने ज्यादा राख ली, ले 10 इंची जमीन को लेकर झगड़े 10 साल जोधपुर के चक्कर निकाले। ये कलयुग है, लेकिन रामचरितमानस में सब त्याग के शिखर पर बैठे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, प्रणाम किया, और भगवान जब झुक करके लक्ष्मण जी को उठाने लगे तब जानकी जी ने मौका देकर माला डाला। बलराम जी से बोले, हम तो जा रहे हैं। बलराम जी ने पूछा तो पंडित जी ने कहा, ये कुंडिनपुर जा रहे हैं। अरे वहां तो स्वयंवर है, दुनिया के राजकुमार जाएंगे, बड़े बड़े राजा और सब आएंगे, तो मेरा कन्हैया कोई कम थोड़ी है, लाखों में एक है, जाना चाहिए। सेनापति महामंत्री सबको आज्ञा दी, बोले जाओ, सेना से जाओ, करो तैयारी। क्यों? 4 बजे तो 10 मिनट लागे, बुलाओ जल्दी बुलाओ। बलराम जी ने जब कहा तो विवाह की तैयारियां होने लगी। अच्छा, इधर शिशुपाल को बड़ा सजग करा रहे, क्यों? उसे कि उसे तो पता है कि वागदान तो मेरे साथ ही हुआ है, पर शिशुपाल की भौजाई ने तो पहला ही कह दियो, बोले मति देवर मूझ मरोड़ो थारो कोनी होवे गंठ, मति देवर दर्पण हेरो थाने कोनी लागे फेरो। दंत वक्त शिशुपाल और ये सब बड़े बड़े दिग्गज जरासंध आ रहे हैं। इधर गोविंद जब पहुंचते हैं, रुक्मणी जी अपनी सखियों के साथ गिरिजा पूजन को आती है, माँ गिरिजा की पूजा कर रही है।
अद्भुत श्लोक है। नमस्य स्वाम्बिके भिक्षणम ससंतान युताम शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। भागवत में तो ये श्लोक लिखा है और रामायण में ठीक इसी का अनुवाद किया है गोस्वामी जी ने। बोले जय जय गिरिवर राज की सोरी, जय महेश चंद्र चकोरी, जय गिरिवर राज की सोरी, जय महेश चंद्र चकोरी, जय गजपत ने सदन माता जगत जननी दामिनी द्युति गाता, जय गजबदन सदानन माता जगत जननी दामिनी द्युति गाता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, ओ जगत जननी दामिनी द्युति गाता। अमित प्रभाव भेदो नहीं जाना, नहीं जन्मादि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। सात चौपाइया दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक पढ़ने का जो फल है रामचरितमानस की, ये 700 चौपाइया पढ़ लो बराबर फल है। ऐसी ये सिद्ध पंक्तियां हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन सदानन माता। और किसी भी कन्या के विवाह में कोई बाधा आती हो, उसे उसके अनुरूप घर और वर ना मिलता हो, तो इन 7 पंक्तियों का पाठ करवाएंगे। जो भागवत जी में नमस्य स्वाम्बिके भिक्षणम सुसंतान युताम शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्ण सदनुमोदताम, इसी का अर्थ है। अब जब पहुंचे हैं प्रभु 10,000 सैनिकों के बीच में से बड़ी भीड़ लगी है, लेकिन गोविंद की जो मूर्त है वो बड़ी मनमोहिनी है। मंद मंद मुस्कुराने लगे, स्मित हास्य है प्रभु का, और माधव की मोहिनी मूर्त को देखा तो जितने पहरेदार वो सब मुग्ध हो गए, मोहित हो गए, भाव विवल होकर के। कोई कहता देखो देखो इसकी पीताम्बरी कितनी सुंदर है, कोई कहता पीताम्बरी देख रहे हो, मुरली देखो न जाने कितनी सुंदर बजती होगी, किसी ने कहा अरे मुरली देख रही हो, चाल देखो इसकी, किसी ने कहा अरे मोर पंख देखो, किसी ने कहा देखो कौस्तुभ मणि वैजयंती माला, एक ने कहा कि थे सब आइया को देखो, मणि देखो, पीताम्बरी देखो, मुरली देखो, मोर पंख देखो, ब्रो करे कहीं हो तो देखो कर क्या रहा है। और भगवान सबके बीच में होते होते कात्यायनी माता के पास मंदिर में पहुंच गए। रुक्मिणी जी अपनी सखियों के संग वहां पूजा कर रही थी, गोविंद का जो रूप देखा, आप सबको मेरे पीछे सांवरिया बोलना है, अरे मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया, प्यारो लागे कांवरिया कांवरिया, मोहे प्यारो लागे कांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया। मुकेश जी जल्दी भेजो, देखो दुल्हा बने हैं सांवरिया, देखो दुल्हा बने हैं सांवरिया, बड़े प्यारे सजे हैं सांवरिया, बड़े प्यारे
सजे है सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे लगे दुल्हा सा दीदार सांवरे लगे दुल्हा सा दीदार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे लगे दुल्हा सा दीदार सांवरे लगे दूल्हा सा दीदार सांवरे लगे दुल्हा सा दीदार सांवरे लगे दूल्हा सा दीदार सांवरे मैं किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे क्या हुआ जल्दी करो मुकेश जी समय नहीं है 3:30 बज रहे हैं आप एक झांकी निकालिए अब तक आ जाओ देखो बोलिए मुरली मनोहर भगवान की जय हो रुक्मणी जी गोविंद को वरमाला पहना रही है माता कात्यायनी की साक्षी में रुक्मणी जी गोविंद को माला पहना रही है गोविंद रुक्मणी जी को पहना रहे हैं सभी पुष्प वृष्टि कर रहे हैं जय जयकार हो रही है बोले भक्तवत्सल भगवान की युगल सरकार की तो युगल सरकार की झांकी का हम लोग दर्शन करते हैं थोड़ा विवाह में सम्मिलित हो जाएं आनंद से विवाह उत्सव मनाएं अरे कार्यकर्ताओं से निवेदन है इन बच्चों को थोड़ा पीछे ले जाएं कोई कार्यकर्ता यहां हो तो इन बच्चों को पीछे ले जाएं पीछे भेज दो भैया उठा कर ये उत्सव मनाएंगे तो फिर कहां मनाएंगे कहां मनाएंगे ये कह रहे हम नीचे आए बच्चे कह रहे हम पीछे ना जाएं कम से कम जो रस्सी बंधी है वो इसलिए बंधी होती है कि यहां तक बैठे जोरदार तालियां से स्वागत करें बोली व्यास जी महाराज की बोलिए नंद के लाल की श्याम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी है हो